अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गज़ाला किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, एक कटोरी मैंने मलाई और दूध लिया है। मलाई होना बहुत ज़रूरी है। एक कटोरी में हम बहुत सारी रबड़ी बना लेंगे। चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। छोटे टुकड़े काजू के लिए हैं, मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, मैंने काजू पीस लिए हैं। ये है थोड़ा सा ब्रेड का चूरा, इसको भी काजू में ऐड कर दूँगी। ये देखिए, काजू और ब्रेड के चूरे को हमने पीस लिया है। इससे रबड़ी आपकी बहुत गाढ़ी बनेगी। ऐसी लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, इसमें मैं दूध और मलाई ऐड कर देती हूँ। हमारा दूध गर्म हो जाएगा, फिर हम काजू डालेंगे। ये देखिए, हमारा दूध गर्म हो गया है। अब मैं इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर दूँगी। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से हिलाती हुई पकाऊंगी ताकि हमारी रबड़ी चटके ना। इसमें हम थोड़ा सा सैफ्रन ऐड कर देंगे। ये है हरी इलायची, वो ऐड कर दूंगी। अब हम इसको चलाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ये देखिए, अब मैं इसमें शक्कर ऐड करूंगी। आपको ज़्यादा मीठी चाहिए तो ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं, कम मीठी चाहिए तो कम शक्कर डालिए। हम इसको अच्छे से पकाएंगे। 10 मिनट तक पकाइएगा। हमारी रबड़ी एकदम गाढ़ी होनी चाहिए। ये देखिए, चम्मच की सहायता से ऐसे हिलाते रहिएगा, दम गाढ़ी हो जाएगी। बहुत टेस्टी लगती है, बाजार की तरह भूल ही जाएंगे। घर में ट्राई करिएगा। ये रबड़ी हम घेवर में भी इस्तेमाल ले सकते हैं, शाही टुकड़ों में भी इस्तेमाल ले सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, आइसक्रीम में भी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, हमारी रबड़ी एकदम गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए गैस बंद करके ठंडी होने के लिए रख दूँगी। फिर हम इसको फ्रीज में रखेंगे तब तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे। चलिए हम गैस बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए आपकी रबड़ी। अब 5 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने देंगे। फिर हम एक बर्तन में निकाल के फ्रीज में रख देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, येलो। देखिए, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी रबड़ी गाढ़ी हो गई है। मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख दूँगी। ये देखिए दोस्तों, मेरी रबड़ी एकदम ठंडी हो गई है, कितनी अच्छी बनी है।
आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इस पर ड्राई फ्रूट डालते हैं, इससे और ही टेस्टी लगेगी। मैंने पिस्ते ऐड किए हैं, ये बादाम बारीक कटी हुई, ये देखिए हमारी एकदम बाजार जैसी रबड़ी बनके रेडी है।